is there in practical degree chromatograph. What is chromatography? Chromatography is just separation of the targeted compound. Through also performs as it is beneficial and harmful to treat to separate the physical input methods of it. यहाँ मैंने दो सैंपल्स लिए हैं वर्ड्स दिस यू कैन रिकॉग्नाइज आई एंड अदर इन ग्रीन और इन ब्लू राइट हमने सैंपल फील किया है सो ये जो हमने है इसके जब आप मार्केट जाते हैं तो आप पहले ये देखते हैं कि ये हम जेडन भी है कि नहीं राइट देयर इज अ क्वेश्चन सेकंड जब आप ग्रीन टी होती है तो आप देखते हैं कि ये ब्रांड होता है हमारे पास लेकिन तो बाहर से भी जाती है गवर्नमेंट और इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कैंटर बोर्ड को इस तरह बहुत सारे फूड्स है उसमें हमें पढ़ने को देखना है कौन कौन से कंपाउंड है इधर ये सेफ है कि हमारे लिए नहीं है और अगर है तो दैट इज क्वालिटी है कि नहीं है इन चीज़ों को सिमिलरली वेजिटेबल्स हैं इस तरह बहुत सारा होता है हम स्टार्ट करेंगे जैसे सैंपल प्रिपेयर करते सबसे पहले ये हमारे पास ग्राइंडर है राइट अगर कुछ सैंपल है जिस तरह वेजिटेबल में है चॉप करके प्रोसेस करके और फिर ग्राइंड करना है ताकि वो इजीली कुछ सोल्यूशन के साथ मिक्स हो गए उसमें जो भी कंपाउंड है वेजिटेबल अमाउंट है आपने जो एक्सपेक्ट करना है तो आपका टारगेटेड कंपाउंड है आज स्टार्टेड तो आपका टारगेटेड कंपाउंड है वही जो हमें करना है राइट वो पेस्टिसाइड है इधर वो विटामिन ए डी सी में शुगर है क्या चॉप करने के बाद हमने यहाँ पे बेसिकली हमारे प्रिपरेशन जो है वो सैंपल के साथ हमने जो वही यूज एसिड मैटर एज अ सॉल्ट वो क्या करता है कि जो उसके कंपाउंड हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करके बाकी उसका एवरेज तो हम उसके पास जैसे आगे प्रोसेस करते हैं लेकिन ये आप लोगों ने देखा होगा दोनों इसके डिस्टेंस है या अगर वो अपने फ्यूचर पे अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी पौधे के विषय में जाए तो यू मस्ट नो कि ये चीज़ें क्या है राइट ऑफकोर्स हमारी उसको जानते भी होंगे यहाँ पे आपको जितना वॉल्यूम चाहिए इंफॉर्मेशन वो आप फिक्स यहाँ पे सेटल करेंगे उसको पुश करेंगे तो वो आपको 9 साल में डालेगा और इसीलिए के बजाय कि आप नियर करते हैं सेकंड जब आपके पास वो सामने डाल देते हैं तो ड्यू कितना है ऑटोपाइलट की थ्री डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं जैसे कि हमारे जैसे ये 1000 माइक्रोमीटर है उसमें से आप इसको एडजस्ट करते हैं जो आपके जितना अमाउंट चाहिए राइट सपोज मुझे 700 माइक्रोमीटर 400 चाहिए आई कैन जस्ट प्लेस एंड टेक दैट वन आप देखिए बर्ड कलर से कम है और वो आपने ये जैसे आप लोग मेन लेकिन आप रिकॉर्डिंग में आएंगे क्योंकि आपके पास बताएंगे और अक्यूरेज का तो इम्पोर्टेंट चाहिए क्योंकि केमिकल दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव आपको बहुत नहीं होगा वो केमिकल एंड सैंपल आपका मिक्सर हो जाता है अगेन उसके बाद ऊपर आप लोग मशीन सपोज अगर इसको मैं ऑन कर रहा हूँ और ये कुछ ट्यूब्स वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ उन ट्यूब्स में 15 ml का यहाँ पर मैंने वो पुश कर दिया और इस बटन को जब मैं ऑन कर रहा हूँ देखिए 4,000 5,000 पर मिनट के हिसाब से अराउंड
क्या होता है कि वो सैंपल आपके सेंट्रीफ्यूज होते हैं और उसके अंदर के इंटरनेशनल यहाँ रहते हैं आपको उसका सुपर मिलता उसको अगेन आपने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने एक्सपेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ये सिर्फ वायल्स हैं कहते हैं वायल्स कहते हैं लेकिन वायल्स में आपने सैंपल ट्रांसफर करना है उस ट्रांसफर करने के बाद अब आपके पास उसका सैंपल प्रिपेयर हो चुका है। अगर अभी भी कोई उसको समझते हैं आप यहाँ पर चेक करेंगे इधर कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। अच्छा अगर इसके सैंपल सब टाइप्स होते हैं कलर्स आ जाते हैं ब्लू ग्रीन और इस तरह फिर इसके साथ हमारे पास एक कंपाउंड होता है चारकोल ठीक है वो ऐश की तरह होता है वो हम इसमें यूज करते हैं अगेन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो कलर ब्लू हो जाता है। इस फिर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कंटामिनेशन है तो आपको साफ लेना होगा सैंपल फिल्टर हो जाता है वो चीज एक्स्ट्रा चीज ना है तो वो जब मशीन में जाएगा मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ कि अगर वो मशीन के कॉलम में जाएगा तो दैट ड्रॉप और ब्लॉकेज आने तो दैट कंटामिनेशन ऑलरेडी वो फॉरवर्ड जब आपका सैंपल प्रिपेयर हो गया आपने वायर्स वायर ट्रे में देखने सपोज मैंने मिले मेरे पास 5, 6, 7, 8, 10, 12 वो आपने दिन वो तो चीज सी कर सेकेंड अब दूसरी जगह इसके क्या आपको ऑन करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी गैसेज हैं राइट Make sure gas is on. Okay? Then we have two gases, nitrogen and helium. ये gases हम यूज करते हैं कि जो सैंपल है वो सैंपल कॉलम के थ्रू के ही करे इंस्ट्रूमेंट ताकि वो डिटेक्टर में पास हो गए ये हम गैसेज इसलिए यूज करते हैं दे आर नॉन रिएक्टिव वो रिएक्टिव नहीं है तो वो ना आयंस के साथ ना हम किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे पर वो एज अ सोर्स है कैरियर अब मैं बताऊंगा कि कैरियर कैसे फिर जो भी समझ पे इसके काम में यू कैन सी हियर इज कॉलम राइट जिसी अंदर से मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कॉलम एंड ओवन है दिस इज एन ओवन और इस ओवन के इंसर्ट ये कॉलम है ये कॉलम मैं 30 टू 60 मीटर इसकी लेंथ हो ओके एंड यू कैन सी इसकी लेंथ 30 मीटर एंड फिल्म इज 0.25 माइक्रोन इससे जो सैंपल पास होना है सो दैट वी कैन यूज दीज गैसेस एज अ कैरियर ये सैंपल को पुश करेंगे और एक प्रोग्रामिंग है सर्टेन टेम्परेचर है 20, 30, 40, 60 अप टू 300 उस 300 से जो कंपाउंड्स जिनकी हीट सेंसिटिव है वो अर्ली इल्यूट हो जाएंगे राइट विद रेस्पेक्ट टू 30, 40, 60 इसी तरह जिस जिस जो जो कंपाउंड्स हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर हीट सेंसिटिविटी दे विल इल्यूट फ्रॉम दिस कॉलम विद रेस्पेक्ट दोस टू 30 मिनट्स की रैंकिंग है हमारी जिस स्पेक्ट्रा आएंगे और डिफरेंट में आपको आगे बताऊंगा तो दिस इज अबाउट कॉलम ये कॉलम हम यूज करते हैं एवरी कैन कम अगेन अच्छा हर सैंपल को एनालिसिस करने के लिए फूड एनालिसिस कुछ मैथड है राइट जो आपका फूड है उसको एनालिसिस करने के लिए आपने सर्च करना है कि मेरा फूड क्या है और उसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है सपोज वेजिटेबल्स के लिए और केमिकल यूज होंगे उसके एक्सपेक्ट करने के लिए कंट्रोल किसी तरह ग्रीन टी हनी इसी तरह और मेथड्स हैं इसी तरह ड्रग्स हैं तो ड्रग्स में इसी तरह हमारी ड्रग्स इधर प्योर हैं कि नहीं है उनको गिरावट तो नहीं है जो हम पिल्स और वाटेबल का प्रोग्राम था उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट लेकिन उसके लिए मेथड डिफरेंट है तो इनके लिए डिफरेंट मेथड्स जो है ना वो ऑलरेडी नॉन है आपको बुक्स मिल जाती हैं उन्हें ऐसे आप देख सकते हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके कलर आपने उसको आपको प्रोसीजर को जब आपका सैंपल प्रिपेयर हो गया मेक श्योर दैट गैस ऑन आपने गैस ऑन कर देनी है वी आर यूजिंग नाउ करेंटली हीलियम हीलियम एज अ कैरियर ओके फॉर जी सी एम एस गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मैथ सेक्शन डिटेक्ट कैरियर इसकी एप्लीकेशन ये है कि एक नोन सैंपल है अननोन सैंपल है हमें नहीं पता उसमें क्या है तो इसको हम सैंपल प्रिपेयर करके इंसेक्ट करते हैं वो सैंपल जब रन हो जाता है तो किसी ने ऑलरेडी एक लाइब्रेरी होती है 946 कंपाउंड्स की जो कि वर्ल्ड में पाए जाते हैं इधर बेनिफिशियल है इधर हार्मफुल है वॉट एवर उस सैंपल से आपको इस लाइब्रेरी से हम कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि इस सैंपल में इधर कोई कंटामिनेशन तो नहीं है अगर है तो वो पता चल जाएगा आपको एम एस बता देता है इसमें मैं आप रीड करूँगा अच्छा ये अब हम आ रहे हैं जी सी एम एस गैस क्रोमेटोग्राफी
This is an MS. ये इसका वैक्यूम पंप है. वैक्यूम पंप क्लियर टू वैक्यूम और मशीन को हैंडल करने के लिए. दिस इज अ दिस इज यू कैन से ये हमारे पास ऑटो इंजेक्टर है. यू कैन से इसके पास दो हमारे पास इन्वर्टर पे हर मशीन में यही लाइक ऑटो रूटीन में है कि जहाँ पे भी वर्ल्ड में यही की मशीन होती है इसी तरह और उसमें दो इन्वर्टर हैं बैक एंड फ्रंट. अब यहाँ पे इसको हम मैनुअल भी इंजेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए एक सरिंज होती है प्रॉपर. इसकी सैंपल हमने उसमें 1 माइक्रोलीटर उठा के और इसमें पुश करके और हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन क्योंकि मेरे पैसे जब टाइम आपको टाइम भी सेव करना है तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी के बटे आ गई तो ये ऑटो इंजेक्ट है. इसमें हम मैक्सिमम 8 सैंपल इंजेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी हियर ये इसकी एक सिरिंज लगी हुई है जैसे कि डॉक्टर्स यूज करते हैं राइट. ये सिरिंज ऑटोमेटिक इसने फिक्स अमाउंट लेना है राइट. इसके पास वायल्स हैं ए बी सी एंड वेस. इसको इसने वॉश भी करना है. दो सॉल्वेंट पड़े हैं ए में बी में. वन में एसीटोनेटल सेकंड में एसीटोन एंड अगेन वेस्ट द प्योर. तो ये 3 टाइम्स ऑटोमेटिकली इसको वॉश करके उसके बाद सैंपल इंजेक्ट करेंगे. सैंपल इंजेक्ट करने के बाद अगेन सिरिंज वॉश करके स्टॉप हो गया ताकि सेकंड जब उसकी कमांड आएगी अगेन सैंपल इन वायर से पिक करेगा. अब यहाँ पे ये देखें कि हमने वायर्स रख दिए नो सैंपल 1 एंड सैंपल 2. वहां से वो फिक्स 1 माइक्रोलीटर लेकर और वो इसी तरह का इनलेट है जो कि इसके नीचे है वो पुश करेगा और वो इस इनलेट के नीचे इस तरह का एक कॉलम अटैच है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूज मतलब. अब वो सैंपल जब इंजेक्ट होगा तो इस कॉलम 30 मीटर के थ्रू इसमें पास होना है और उस पास करने के लिए हमें गैसेस उसकी हेल्प करती है क्योंकि गैसेस मुसल से प्रेशर आ रहा है राइट. उसमें से फिर वो जो कंपाउंड 20, 30, 40, 60 वो जल्दी निकलते जाएंगे राइट पोल्यूट होते जाएंगे और यहाँ पे जो ये डिटेक्टर है उनको वो डिटेक्ट करता जाएगा. अच्छा इसमें ऐसा है कि जब वो कंपाउंड आगे जाएंगे राइट तो जो इसके साथ कुछ आयंस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोज कंपाउंड आर पॉजिटिव दोज के साथ दोज कंपाउंड आर नेगेटिव वो चार्ज लेते जाएंगे आगे और एक फॉल एंड पे जाके फॉल करेंगे. उस फॉल करने की वजह से कुछ पीक्स जो है ना आपके सॉफ्टवेयर पे जो है ना वो आएंगे राइट. एनी वे लेकिन इससे पहले कुछ प्रोग्रामिंग भी है जिससे हम इसकी जैसे कि आप अपना मेथड यहाँ से बनाएं यहाँ से मशीन को हैंडल करें अकॉर्डिंगली देखें और चेक करें. यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये पीक्स हैं राइट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे कुछ पीक्स हैं. अब इन पीक्स से शो करता है कि कौन सा कंपाउंड है डाली जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 3 पीक्स हैं बिग पीक्स हैं जिसकी ज्यादा और टारगेटेड कंपाउंड जैसे मैंने पहले बताया जैसे कि क्लोरोपाइरोफिनोल ये एक कंपाउंड है. अब ये कितना है और इसमें है क्या नहीं है इसी तरह के पीक्स और हमें नो मेडिकेटेड इधर रिप्रेजेंट है उन पीक्स से जो कि हमने आगे फर्दर उसको क्वांटिफाई करना है. अच्छा जी जब आपका सैंपल आपने एक दफा रन कर लिया और इंजेक्टर से और ये कॉलम से दिस इज ओवर ये कॉलम इसके अंदर ही कुछ हम इसे खोल नहीं सकते. बेसिकली इसके अंदर जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है 300°C. अब इसको हम खोलेंगे तो जाहिर और किसी इसका एक एटमॉस्फेयर बनता है एक ओवन में उस एटमॉस्फेयर में ये कॉलम इन गैसेस ही पास आउट करके उसको एटमॉस्फेयर देते हैं जिससे वो कंपाउंड और उसके बाद अब ये हमारे पास जैसे कि डिटेक्टर लगे हुए हैं 1, 2 डिटेक्टर ये तीसरा हमारे पास भी पड़ा है राइट. दिस इज कॉल्ड ईसीडी डिटेक्टर and this is FID detector. This is mass selective detector. अच्छा ECD क्या होता है कि आपके जो general compounds हैं right जो कि आपके सपोज आ जाते हैं आगे पर characterize हो जाते हैं polar या non-polar तो जो जो compounds आपको चाहिए होते हैं वो आप ECD पे करते हैं with रिस्क सिवाय जो कि fat है मतलब fat की essence है घी है आपका घी pure है कि नहीं दाना आ रहा है वो pure है कि नहीं है ठीक है और कुछ मिल्स के
सैंपल्स है, आज मिल्क में बड़ी वो आपको पता है और वो भी कंफॉर्म्स में जो भी वाट इज कंफॉर्म यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं, इस मशीन के अंदर इधर उसमें है कि नहीं, अगर आप है तो आप फिर एनालिसिस करके कस्टमर को रिपोर्ट दे सकते हैं, अगर हम फेडरल को बता सकते हैं इसमें इंटरमेशन आ गई, सपोज में बाकी से जितनी भी ब्रांड्स आ रहे हैं वो मैंने पिक कर लिए और उन्हीं की मैंने सैंपल्स बना के जब मैंने रन कर लिया, जब वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी आई थिंक ब्रेक पे ही को तो बैन होना चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली जो बेबीज प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, बाकी जो आजकल कैंडीज और व्हाटएवर जो आ रही हैं दे आर एडल्ट्रेटेड, उनको हमने चेक करना है जो कि इधर प्रोड्यूस हो रही है और जो बाहर से आ रही हैं, जो बाहर से भी आ रही हैं जो डीलर है या व्हाटएवर वो कोशिश करेगा कि जितना भी प्रॉफिट आ जाए चाहे वो मिनिमम प्राइस में आ जाए या जो भी है उसको, तो उसको चेक करने के लिए इस तरह की इंस्ट्रूमेंट और इस तरह की लेबोरेटरीज भी अप्लाई करते हैं, फेडरल के पास भी हम रिसर्च एजेंसी के लिए आते हैं। अच्छा जी, सेकंड ये था, ये फर्स्ट डिटेक्टर में हम ये जिसमें जो जनरल कंपाउंड्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, सेकंड जो फैट रिलेटेड है स्पेशली फैट उसके साथ हम फिर एफआईडी यूज करते हैं, इस इन दो को हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अगर हमें जस्ट शो देखना है कि इसमें है कि नहीं है प्रेजेंस से ऑप्शन से और है तो वो थोड़ी बहुत अमाउंट भी दे देगा लेकिन वो पर्सन दे देगा, देन वी कैन यूज दिस एमएस मास सेलेक्टिव डिटेक्टर एंड दिस instruments you can do very costly, very sophisticated, might be now is 9 crore, 10 crore, so you have to handle very carefully, something like that. DCFID for oils and oils in fat, DCMS for detection. Detection, generally, general purpose, just the compounds and even if they fat and other compounds, but ECD, other than, profile pura karna ho DCFID. अब हम आ रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, प्लीज कम फॉरवर्ड। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग है, राइट, सपोज ओवन है, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ओवन है, उसका एक टेम्परेचर है, वो एक उसको हम सेट करते हैं 70-80 की तरफ हो जाएगा, जितना उसको मेथड जो मेथड है अकॉर्डिंगली उसमें, उसके बाद उसका एमएस सोर्स है, एमएस स्क्वाड है, टर्बो स्पीड है, ये मशीन की एक कंडीशन, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है जो कि आप फ्यूचर में जहाँ पे स्टूडेंट्स जाएंगे लेबोरेटरी वहां पे काम करेंगे तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर जरूर देखेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोग पहले थोड़ा सा पता हो। अच्छा, इसमें सिंपली कुछ कंडीशन हैं, सपोज इंजेक्टर है, तो इंजेक्टर में कितना वॉल्यूम लेना है, आई प्रीवियसली आई टोल्ड दैट 1 माइक्रोलीटर में चाहिए, यहाँ से आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर देनी है कि हमें इतना चाहिए और उसके बाद वॉश करनी है उसमें, सिमिलरली उसमें टेम्परेचर जैसे मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर तकरीबन 300 राउंड अबाउट जाएगा, इस पर 250 जा रहा है, वो आपने सेटिंग करनी है, फिर ये कॉलम है, तो कॉलम जब है तो उसकी क्या कंडीशन हो जानी चाहिए हमारी जो यूज हो रहा है, वो ओवन के अंदर जो टेम्परेचर है उसको हमने मेंटेन करने के लिए यहाँ से यूज किया है, डिटेक्टर सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा डिटेक्टर, जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे पास 3 डिटेक्टर है, तो जो आपको डिजायर्ड है फॉर कंपाउंड आपने वो सिलेक्ट करना है, राइट, सिग्नल्स हैं जिस तरह के आप ये एंड पे जो सिग्नल्स आएंगे विद रेस्पेक्ट टू पीक्स उनको हमें कैरी कैसे करना है, राइट। अच्छा, थर्डली रन टाइम है और कुछ ऑप्शन है, इससे ये आपका एक मैथड बनता है, वो मैथड आपको सेव कर देते हैं और उस मैथड को आपने बार बार एक दफा बना दे और जो डिजायर कंपाउंड है उनके लिए मल्टीपल टाइम आप एक यूज करेंगे। अच्छा, जब आपका एक सैंपल रन हो जाता है और कंडीशन से थ्रो हो जाता है तो इस तरह के कुछ आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, पीक्स आते हैं, उनमें कुछ कंपाउंड्स हैं, राइट, जैसे कि हमने यहाँ 3 ग्राफ्स देखे, उन 3 ग्राफ्स में दिया गया है कि जो अननोन पीक होती है लोकेशन उनको हमने नोन करने के लिए लाइब्रेरीज होती है, मैच स्पेक्ट्रम, या आपके पास स्टैंडर्ड हो या आपके पास लाइब्रेरी के साथ मैच करती है, पता चल जाता है कि वो पीक्स क्या। जब आपका एक स्पेक्ट्रा आएगा तो उसमें आप ये देख सकते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रा है इसमें मल्टीपल कंपाउंड्स हैं, ओके, माइट बी 60 है, 50, 70, बट वी डोंट नो कि कौन सा कंपाउंड है इसमें,
राइट, इधर बेनिफिशियल, इधर हार्मफुल, इधर कंटेमिनेटेड। उसके बाद जब इसको चेक करने के लिए हम इस लाइब्रेरीज के साथ इसको मैच करते हैं। इस लाइब्रेरीज में कमोबेश 946 ऑलरेडी नॉन कंपाउंड्स हैं। इसको मैच करते हैं तो इसके बाद हमें आइडिया पता चल जाता है कि यहाँ पे जो पीक्स थी हमारे पास, ये किस चीज की पीक है, ये किस चीज की पीक है, इधर ये प्रेजेंट है, इधर हार्मफुल है, ये हमारा टारगेटेड कंपाउंड है भी कि नहीं है, इधर इसको अभी कहीं फर्दर करना है कि नहीं है, आपको पता चल जाता है। सपोज जैसा कि एग्जाम्पल मैं अगर दूं, कस्टम्स और हमारी जो लॉ एनफोर्स एजेंसीज हैं, वो कुछ ऐसा कोई सस्पिशियस मटेरियल उन्हें अगर मिल जाता है एयरपोर्ट से, किसी की बैग से, अब वो उन्हें तो नहीं पता होता इसमें क्या है, लेकिन वो आप अक्सर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा जी कोकीन हेरोइन इस तरह की चीजें ड्रग्स स्मगल हो गई, तो वो जैसे ही वो कोई भी मटेरियल मिल जाता है तो उसको एनालिसिस के लिए ले आते हैं, उसको एनालिसिस करके उसको लाइब्रेरी स्पेक्ट्रा से मैच करते हैं, अगर वो उसके साथ जो कंपाउंड मैच कर देता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर रीड कर सके You can see that. Yeah. तो इसमें जो स्पेक्ट्रा है उसको कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि उस सैंपल में कुकीन है कि नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो जो कंपाउंड्स हैं यू कैन मेक विद दिस रिस्पेक्ट टू लेवल, इसमें तकरीबन 940 कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को आप इसके साथ जब हमने मैच करना है तो उसने फिर एंड पे हमें रिपोर्ट दे देनी है इधर के इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स। जब हमारे पास वो टारगेटेड कंपाउंड्स आ जाता है तो उसको फिर हम फर्दर कैरी करते हैं इसीलिए डिटेक्ट करके लिए कि वो उसमें चले प्रेजेंट है, लेकिन वो कितना है, इधर 5 मिलीग्राम पर केजी है, 10 मिलीग्राम पर केजी है, अगर माइक्रोग्राम पर केजी है, वाट एवर जो भी है, उस रिजल्ट्स को हमने फिर सुना। लेकिन क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी होती है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो इसकी पीपीबी लेवल में है तो माइक्रोग्राम पर केजी आपके पास जो वो कंपाउंड्स आते हैं उनको आप यहाँ पे नोट करके आप उसकी स्ट्रक्चर, उनकी होल हिस्ट्री आप देख सकते हैं और उनके बाद आप जज कर सकते हैं कि ये जो एडल्ट्रेशन अगर किसी फूड में की गई है या कोई ड्रग्स है या जो भी एंटीबायोटिक्स है, तो इधर ये फर्दर हमें कोई कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस सी तो नहीं कॉज करें। जैसा कि अभी अगर मैं दो एग्जाम्पल दूँ, जो बेबीज हैं जो कि स्पेशली कैंडीज और टॉफीज खा रहे हैं उसमें कॉलरेंट्स बहुत ज्यादा है और उस कॉलरेंट की वजह से दैट कॉज हेपेटाइटिस सी। एंड अगेन आप जो कुक करते हैं फूड करते हैं ज्यादा, आपने चिप्स ले लिए मार्केट से, लेज एंड व्हाटएवर, अगर वो ज्यादा कुक जाए ब्लैक ब्लैकिश कहीं पे है दैट कॉजेज वन कंपाउंड एथिलाइन अमाइड दैट गोज डायरेक्टली एंड दैट कॉजेज कैंसर। अगले ऊपर लेकिन अगर वो हाई क्वांटिटी में है, सपोज आप फिश सॉरी फ्रेंच फ्राइज से ले रहे हैं तो बहुत फ्राइड है और उसमें अगर एक एथिलाइनामाइड बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं पता लेकिन अगर आप लोग खा रहे हैं या मैं खा रहा हूँ व्हाट एवर गोज दैट कॉज मतलब आप ऐसा है कि उसमें जैसे कि ज्यादा स्मोक आप ज्यादा कुक हो जाएगा तो दैट्स कॉज स्मोकिंग जी जी उसमें उसमें कंपाउंड के साथ आयन के साथ मिलते कुछ ज्यादा ही तो मेक श्योर के इस तरह की चीज स्पेशली के चिप्स बारबेक्यू टाइप की आया राइट वो ज्यादा ही उसको क्या होता है ताकि उसमें कुक फ्लेवर ज्यादा आए तो वो और बच्चे भी उसी को यूज करें। तो इस तरह की सपोज हमारी मार्केट में नंबर ऑफ ब्रांड्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, चिप्स के भी हैं इस तरह कुक फूड के हैं, तो जितने कुक फूड है हम लोग क्योंकि हम डूइंग रिसर्च हमने उसको कलेक्ट करके उन्हें सभी के सैंपल बना के उसको एनालिसिस करते हैं कि इधर कोई कंपाउंड है और तो नहीं रहा ऐसा जो हैजर्डस, अगर हैजर्डस है तो वी कैन रिपोर्ट वी कैन पब्लिश राइट। इसी तरह बहुत सारी डेबेटे न्यूज़पेपर इस तरह की फाइंडिंग्स आ रही है जो कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो साइंस है इसको आप रिसर्च और एज ए प्रोफेशन भी आप कैरी कर सकते हैं। राइट फ्यूचर में अगर आप इस तरफ जो इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स अगर वो जाना चाह रहे हैं और वो अपने एज ए प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो हमारी आजकल फूड अथॉरिटीज है डिफरेंट प्रोविंसेस की फेडरल की अपनी, उसमें बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन एक्सेल वेल, आपको
एक्सपर्टीज का पता है वहाँ पे जो एनालिसिस फूड के रूटीन में हो रहे हैं उसके लिए, तो दिस इज क्रोमेटोग्राफ गैस क्रोमेटोग्राफ अगेन वी आर गोइंग टू एन अदर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा जी, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि पोलर है, पोलर कंपाउंड्स हम इस पे करेंगे, जो नॉन पोलर है राइट वो फिर हम आएंगे एच पी एल सी एंड अगेन कैटोलिजेंटोफोर्सिस, दो अलग अलग एच पी एल सी को वाटर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर का ज्यादा यूज है। ठीक है, जो बफर्स यूज होते हैं, जो केमिकल यूज होते हैं वो हम वाटर एंड केमिकल में चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गैस है, यहाँ पे कोई भी वाटर का एस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए चाहे सैंपल प्रिपरेशन हो चाहे उसको हैंड डेच, यहाँ पे क्योंकि हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं उसमें भी वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल डिस्टल हाईली मतलब वाटर यूज कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड रह गए हैं जो कि जी सी पे नहीं हो सकते वो फिर हम इस मशीन के लिए आते हैं। करंटली हम क्योंकि सी यूज कर सकते हैं कर रहे हैं, तो सी पे भी आप कर सकते हैं और इस पे भी। सपोज हम कर रहे हैं कि आप लोगों ने देखा सी का बता दे एब्रिविएशन बता दे सी कैसे जी 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 सपोज हम सी है जैसे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जनरल पर्पस इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सारे कंपाउंड होते हैं राइट, जिसमें से क्योंकि लेकिन आप इसको इजी करने के लिए फिर आते हैं, कुछ डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन सपोज कर रहे हैं कि मार्केट में आपके पास स्पाइसेस हैं, मिर्चें हैं, लेडीज जैसे ही जाएंगे तो उसका कलर चेक करेंगे कि हाँ इसका थोड़ा सा तेज है तो शायद अच्छी होगी, लेकिन उसको अपीलिंग करने के लिए डाइज यूज करते हैं, सूडान डाइज 1, 2, 3 दैट इज हेजलनट, वो इजीली मार्केट से मिल जाती है और वो देयर नॉट गुड फॉर हेल्थ causing with cancer, लेकिन वो क्योंकि वो जो ओनर है उसको सेल करने के लिए उसको मोर अपील करेगा या उसमें और एडल्ट्रेशन करेगा स्पेशली या काफी जो है उसमें नेचुरल स्वीटनर की जगह आर्टिफिशियल यूज करेगा राइट, इसी तरह और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो उन एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए फिर हम फर्दर सी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी यूज करते हैं। अच्छा, उसका जो मैकेनिज्म है वो सेम इसी तरह का है, जस्ट इसमें जो है वो बफर्स यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे गैस, यहाँ पे बफर, हम डिफरेंट बफर यूज करते हैं, तो सर्टेन वोल्टेज पे इसकी कंफिग्रेशन है और वो रैंकिंग में प्रोग्राम है, सेम इसी तरह का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी लाइब्रेरी है, वो कंपाउंड नोन हो जाएंगे कि इधर वो हैं कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी के हमारे जो टारगेटेड कंपाउंड्स है उन टारगेटेड कंपाउंड्स को हम उस पर्टिकुलर फूड मैट्रेसेस वो कुछ भी हो उसको हमें चेक करने के लिए इवन फ्लेवर इवन आपका परफ्यूम उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, इवन हलाल चीजें हैं कि नहीं है, कुछ कंपाउंड्स हैं उससे रेलेवेंट उससे पता चल जाता है, उन कंपाउंड्स को हमें एक्सपेक्ट करने के लिए वी कैन यूज दीज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, वी कैन से दीज क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स। एचपीएलसी So we can prove by these spectra, these machines, right? इसमें मतलब we can use both type, solid भी हो सकते हैं, powder भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं। जी, लेकिन उसके method जो है मैंने बताया कि different है। अगर हमारे पास solid आ रहा है, तो हम solvent use करके उसके अंदर जो constituents हैं, वो जो भी extract आ जाएंगे, हम उसको further centrifuge and purify करके मशीन के लिए आएंगे, हमें पता चल जाएगा उसमें कितने मतलब बचे हैं। जो उसके अंदर जो भी है पार्टिकल्स जो है वो बैठ जाएंगे ऊपर सस्पेंडेंट आ जाएगा हमारे पास। मिल्क पे यूएसटी मिल्क, अच्छा वो हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है, डेयरी डिपार्टमेंट मिल्क की, क्योंकि हम अलग अलग किसी डोमेन पे नहीं काम करते, क्योंकि ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट काम कर रहा है
तो हम यहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली वो आर डीलिंग विद फूड प्रोडक्ट्स, स्पेशली पेस्टिसाइड, आप देख रहे हैं मार्केट में आपके वेजिटेबल आ रही है, सब्जी बहुत अच्छी है, बिग क्लीन है, लेकिन वो सेफ नहीं हो सकती शायद, उस पर बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज हुए हैं, स्प्रे हुए हैं, फार्मर ने किए हैं, फार्मर को तो ये भी नहीं पता कि मैंने कितना करना है, अंदाजे से उसने वो पेस्टिसाइड डालना है, वाटर डालना है, स्प्रे कर लिया, लेकिन वो पेस्टिसाइड जो है ना वेजिटेबल के ऊपर एंड इवन इनसाइड, ठीक है, और उस दैट आल्सो आप देख लेंगे, आप जिस हॉस्पिटल जाए आजकल ब्लड प्रेशर इसी तरह की कैंसर वाला मॉडल है, बहुत सारी ये चीजें हमारी सोसाइटी में हो गई हैं, तो वो जो सेफ फूड था ना उसका कंसेप्ट और ऑर्गेनिक कम हो गया है, और प्रोडक्शन और यील्ड बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड मैक्सिमम चीजें आ गई हैं जो यूटिलाइज हो रही हैं, तो उन चीजों को डिटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फिर हम यहाँ डिटेक्ट करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं, वो जो बॉडीज है उनको देते हैं, जो फूड बॉडीज है वहाँ पे फिर वो फर्दर उसको इम्प्रूव करते हैं। जी अफकोर्स गवर्नमेंट फर्दर प्रोविंसेस को रिकमेंडेशन देते हैं, प्रोविंस में ऑलरेडी फोर अथॉरिटीज ऑफ बन गई है, पहले नहीं थे, लेकिन काफी फंक्शनल है, काफी फंक्शनल है, आजकल जो एडल्ट्स हैं आरसीबी में काफी इशू हो रहा है, क्योंकि आपने हाल ही में टेस्ट किया है, जैसे लाहौर साइड पे तो कहते हैं 100% पानी में आरसीबी लेके आया, तो जाहिर जो भी कंज्यूम कर रहे हैं या इवन पोल्ट्री भी है क्या उसलिए आ रहा है, तो क्या यहाँ के भी आपने लोकल कोई और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लेकिन इसके साथ हमारा भी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो पाकिस्तान में जितनी भी फूड ग्रुप्स हैं, चाहे फूड्स हो, चाहे बेकरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे अदर मिल्क प्रोडक्ट्स हो, और उसमें जो डोमेस्टिकली इवेंट प्रिपेयर हो रही है या फैक्ट्रीज लॉन्च कर रही है या बाहर से इम्पोर्ट की जा रही है, उनको एक दफा हमने पूरा स्क्रीन करना है, उनकी कंटेमिनेशन लेवल क्या है, हैजर्डस लेवल क्या है, इन तरह हमारी सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और नहीं है वो रिकमेंडेशन के साथ हमने पूरी एक रिपोर्ट जो हमें फर्दर जमा करानी होगी, और इवन आज पता है आप लोगों को कि अगर इस तरह की कोई स्टडी है जो कैन इवन सबमिट टू सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्टली उस पर एक्शन लेगी और सभी बॉडीज को बुला के एक जामे पॉलिसी बनेगी। लास्ट में ये ऐड करूंगा, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, हमारे जब बाहर बिजनेस जाता है डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज एंड अमेरिका, सपोज आप मैंगो ले रहे हैं, यहाँ नहीं आजकल हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोडक्शन है इसकी पाकिस्तान, क्योंकि हनी में फ्लोरा हमारा रिच है यहाँ पे, तो बाहर के लोग एक स्टैंडर्ड बनाता है, यदि पहले आप हमारे साथ एक सर्टिफिकेट ले आए कि आपकी ये प्रोडक्ट सेफ है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, अच्छा इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, ये अब वो जो बिजनेस मैन है इज अ लेमैन, इसको तो नहीं पता कि आप इसमें कैसे चाहिए, मेरे पास पूरा कंटेनर है, दो बिल्डिंग जो स्टॉक रखा हुआ है, वो फिर हमारे पास आता है, यदि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं आप सैंपलिंग करें, हमें चेक करके हमें एक सर्टिफिकेट बना के दें, ताकि ये हमें बाहर यूरोप भेज सके, ताकि हमारा बिजनेस और पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्टअप हो जाए, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स को चेक करके हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, दैट इज वैलिड, और उसे कहते हैं एक्रेडिटेड लैब, क्योंकि हमारी एक्रेडिटेड लैब है, तो इसको ये पूरे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड इसको दैट कैन बी एक्सेप्टेड, अगर उसको डाउट है तो ही कैन डू इन योर कंट्री, ओन कंट्री, तो अपनी कंट्री करेगा, क्योंकि उसको यहाँ से फाइनेंस मिल जाएगी, क्योंकि रिसेंटली भी काफी एक कंटेनर शहर का कंटेनर कोई भेजना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान और उसके एनालिसिस करा के जैसे सिंगापुर में एक्सेप्ट भी हो गया, मीट करा था हमारा ना जो एनालिसिस रिपोर्ट थी, और उनकी जर्मनी से जो रिपोर्ट मैच की हमारे उनके साथ भी कुछ मैच था, और उससे जो रेलिवेंट 8-10-20 हजार 2000 लोग हैं उनका भी एक बेसिकली वी आर फैसिलिटेटर, एंड वो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे गवर्नमेंट सैंपल भेजे, जो भी है हम ये मशीन यूज करते हैं। बहुत इलेबोरेट करके बहुत अच्छे, ताकि थोड़ा इजी हो जाए, फ्यूचर में कहीं नहीं जाना है कि पता चले कि जी
क्रोमेटोग्राफी भी कोई टेक्निक होती है। और ये बताए वर्ड की ये इतना लैब में आने नहीं देते और क्रोमेटोग्राफी इस तरह लोग ना कोई बताता है ना कोई देखने भी देता है। तो ये वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना फैसिलिटेट किया आउट ऑफ द वे जाके। डॉक्टर साहब कितनी एज चाइना से इन्होंने किया तो बड़े एक्सपर्ट आए इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा आपने बल्कि आसान बना दिया इस चीज को। आपका समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा सा बिल्कुल ही वो किया था। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आपने इतना ऑर्गेनाइज किया है और इतना डिटेल में वरना नोबडी लेट्स यू इन खासतौर पर लैब्स वगैरह में यू नहीं आने देते। Thank you so much. Thank you. Welcome, Dr. Saab. Thank you. All our asset to the country. So, we are really thankful. Thank you so much.